तेरे नाल मैं अखियां मिलाइया, तेरा चांजर, तेरा कुर्ता, तेरा ठुमका, तेरा फलाना, तेरा चिमका, तेरा ओ, तेरा ये, तेरा वो, गो शाड़ी इस बर्थडे हॉला जट इन द हाउस हॉला जट। ओए अपकमिंग चवलो, ये आवाज कहां से आ रही? इधर जट तब साशे में भी दस्तियाब है, और तू नहीं, तुझे शर्म नहीं आ रही छत पे चढ़ के क्या हरकतें कर रहे हो तुम लोग? ओ सुपर जाहिल, एक तो हमारी वीडियो में डजिंग कार की तरह आके बज रहे हो, ऊपर से हमारी छत पे चाटियां मार के हमें तड़ियां लगा रहे हो हीरो बट। मुझे तेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। नीचे कमेटी पार्टी चल रही है, कुछ आंटियां आई हैं, उसमें से तीन आंटियां पता नहीं उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मुझे कहती हैं कि कहती हैं तेरे साथ सेल्फी खिंचानी है। चल हम भी बुला रही है तेरी। देखा बॉयज, हीर जट्टी की स्टारडम ही इतनी है कि लोग दूर दूर शहरों से आते हैं उसकी फोटोज खिंचवाने। चल ओ छोड़ यार, ये वीडियो चेक कर। सो ऑसम मैन। वाह यार। ए हीरो, क्या मसला है यार? पहले तू मुझ में बज रहा था, अब तू मेरी वीडियोस में बज रहा है। व्हाट्स अप विद दैट? ओ लोहा, लोहे के साथ टकराने के लिए लोहा बनना पड़ता है, पर तू क्या समझे शापर? तेरे जैसे शापर ऐसे तोतियों में ही उड़ते रहते हैं। दैट्स माय न्यू लुक ड्यूड, द पेजेंट ऑफ हॉला जट। ओ हीरो भाई, और तुसी भी देख लो वीडियो, पक्का वायरल है। जा नहीं देखनी? मैं तो कहती हूँ तू ही देख ले, तेरे से इफ्तिताह करते हैं, थरथली मचा देने वाली है हमारी वीडियो, फुल वायरल जाएगी सोशल मीडिया पे। आजा तुझे दिखाऊं। और चल चल अड्डी, तू ज़ायरा खान, अम्मी बुला रही है नीचे, आ जाओ। छत पे टॉम एंड जेरी का तमाशा लगाया हुआ है। अपने फैन से मिलके आती हूं, कस्ती है। सोलो बना, सोलो ज्यादा एक्शन हो जाएगा। सी यू बॉयज, बाय। स्लोमो बनाई है। हेलो व्यूअर्स, व्यूअर्स से अगेन, कहां पे लेनी है सेल्फी? आंटी, वैसे मैंने छत पे आज एक बात का हिसाब लगा लिया, इस साल अंदरून शहर की बेस्ट छिछोरी का अवार्ड जो है ना, वो तेरा बनता है। पैर मीन दिया मेरा, नीचे देख के नहीं चल सकती, किंग स्टॉप खेल रही है। और सुन, लड़कियां नजरें झुका के चले तब भी अच्छी लगती हैं। लेकिन हम उन लड़कियों में से हैं ही नहीं जो झुका के चले, ना नजरें ना सर। ए, बात को समझने की कोशिश कर, ये छत क्या है? ये लड़की वही अच्छी लगती है जो थोड़ी शाइस्ता, थोड़ी शगुफ्ता और थोड़ी कोमल हो। ये तो क्या शगुफ्ता। आंटी, हीरो कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, वो आपने हुक्म किया था कि आपने इसके साथ सेल्फी खिंचानी है, छत पे वीडियो बना रही थी, मैंने एक दाबा लगाया, मैं कहा ए, कहती है जी, चल हमारे घर आ, फोटो खिंचा, मम्मा आना है। शुक्रिया बेटा, आ जाओ हीर। मोहल्ले में कोई शायस्ता होती तो उससे भी आवाज लगा लेती। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी? सबके जाओ, मेरी सोशल स्टार, मेरी सोनी पिड़िमी। दो जी वेलकम करो हमारे सोशल स्टार सोया जी, हमारी सुपर सितारा। इससे मिलना चाह रहे थे ना आप लोग, मेरी सोनी मोनी। ए भाई लो, ऐत की मैंने मुफ्त नहीं तस्वीरें खींचने देनी, हाँ 500 दिनार पर सेल्फी लूंगी। चल जो भी हुए हैं, 500 दिरम सही, पर मुझे मतलब पैसों से है मुझे। फनी। ए, देख पुत्र, तू खाला से तो मैं आती नहीं ना, मैं गई दर्जी के, तू तो वहाँ अक्सर मिल जाती थी, उधर भी नहीं मिली। मैंने उससे देख नए स्टाइल का जोड़ा सिलाया। कैसा फैशन गेम तो आपकी हमेशा से बड़ी स्ट्रांग है, डिप्पी गाला है। रज रज के मिलो, रज रज के मिलो मासी ते पनेवी ते, चाह पूरे करो बेचारियां दोनों। लो जी शगुफ्ता जी, निकल आई ताड़ी लॉटरी, हुन खाना पक्का। लॉटरी की क्या बात है निमी खाना, हम स्टार्स ना इन्हीं फैंस की वजह से बनते हैं। और फिर वैसे भी मैं तो मस्करियां करती करती ऐसी छोटी मोटी वीडियोस बनाती रहती हूँ, वरना तो अक्सर लोग हमें ये भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि क्या हीर
ओंगी बोंगी सी वीडियोस बनाती है। मुझे तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लड़कियों को ना शाइस्ता और शगुफ्ता होना चाहिए। ना परम मार ऐसे लोगों को, उनको कहा कर कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ। बथेरा कहती हूँ, ऐसा भी बथेरा समझा है, लेकिन अकल से पैदलों को कहाँ समझ आती है ऐसी बातें। अम्मी हजूर हेल्प मी, ये ना हो कि समोसे और केचप फर्श पे गिर जाए। अमन पड़ा तेरा और फैर जा फैर जा रहा है। बाबा पकड़े या लो जी आगे गर्मा गर्म समोसे। चले अब क्विकली सेल्फी ले। चलो जी क्विकली फिल्टर लगाओ। तू भी आ जा। अरे कोई बात नहीं आनी। मैसेज आ आ आ। बिस्मिल्लाह, वेलकम वेलकम टू आवर शॉप। वालेकुम अस्सलाम, लुक एट दिस। ओ पुत्र, वैसे तो हमारा खानदानी काम जो है ना वो निमकों का है, पर नए तकाजे हैं। हमने काम बताया, मिठाई शिठाई शुरू कर दी, पर जैन पुत्र पूरे इलाके में हम जैसी क्वालिटी और हम जैसा टेस्ट कोई नहीं बेचता। ओए बताता को नहीं है, इसमें शाकी को नहीं जट साहब साथ गए जाऊं। ये देखो ना हमारा कैनेडियन बॉय भी कितना सोना लग रहा है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, आज तो हमारी शान नहीं लग रहा। बस करते हुए वसीम चिन्योटी। यू नो हमीद अंकल, मैं सोच रहा था क्यों ना यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज खरीद लूं, वो भी अंदरून लाहौर में, कुछ शॉप्स हों, कुछ फ्रेंचाइजेस हों। व्हाट डू यू थिंक? ओए जैन पुत्र, व्हाट एन आइडिया पुत्र, व्हाट एन आइडिया। और तुझे तो पता ही है कि पाकिस्तान की आबादी माशाल्लाह कभी नहीं कटनी, क्योंकि यहाँ पे फैशन है बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा। और जहाँ पे बच्चे पे बच्चे का फैशन हो पुत्र, वहाँ कारोबार कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों निके? हाँ बिल्कुल भाईन जैन, इसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, अन्ना प्रॉफिट। ये देखो ना, अब्बा जी की दुआएं और भाईजान उम्मीद की मेहनत, तो ये माहौल बना हुआ है। और सामने देख रेडी वालों को, अचार वाले को देख, और वो देही बड़े वाले को, पता है तुझे कितनी दिहाड़ियां लगाते हैं? ओ ये तो रात को भी दिहाड़ी लगा लेते हैं। रात को कैसे? अंडे बेच के, गर्म अंडे। ये दोनों कम अज कम 13-14 हजार की दिहाड़ी घर लेके जाते हैं। पुत्र जी, जहाँ पे रेड़ी वाले लखपति हो वहाँ पे कारोबार तो चलेगा कि नहीं चलेगा? छठ साहब, जहाँ पर लेडीज को होमवर्क ये मिलता हो कि चुन्नू मुन्नू की तैयारी पर अचार खाना है, वहाँ पर अचार वाले लखपति होंगे। तू बड़ा शरारती है तीली, मारते लाड से हो, हाथ रिमांड वाला यूज करते हो। तुम्हारा नाम तीली है? यस ब्रो। रियली? डेली। तीली कैसा नाम? अच्छा नाम है। ओहरा नहीं, अगर तुम्हारा नाम तीली है तो फिर मेरा नाम ज्वालामुखी है। ये भी बहुत शरीर है। ओए ओ पुत्र ज्वालामुखी, तू ना अपने वाले साहब से मशवरा कर लेना, और जिस किस्म की प्रॉपर्टी चाहोगे हम आपको लेके देंगे, पक्का काम कराएंगे। और बेटा जी, हमारे होते हुए कोई दो नंबर रजिस्ट्री का सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल उम्मीद भाई, 100% सच्ची बात कर रहे हैं। यू राइट। लेकिन हमीद अंकल, ये आपके वर्कर्स मुझे इतना घूर क्यों रहे हैं? घूर रहे? Yeah. ओए, ना। कहीं मैं कार्टून तो नहीं लग रहा? सद के जाऊं, कार्टून तो इतने सोने होते हैं। आप कार्टून नहीं लग रहे, आप तो वो बकरे लग रहे हो जिसको चांद रात को ना बच्चे लेकर जा रहे होते हैं सर पे गुब्बारे, और लोग दूर से कह रहे होते हैं ये कुर्बानी वाला है। पुत्र जोक मार रहा है, जोकिंग कर रहा है। या या। निके, बेटे बाज ना आई तू है? अब भाईजान मैं आदत से मजबूर। और यार मेहमान आया कनाडा से, भाई कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ निमको शिमको। ना 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 हमीद अंकल, अब तो रोटी होनी चाहिए। ओए रोटी की तो पुत्र तू फिक्र ही ना कर, रोटी तुझे आज ऐसी खिलाएंगे कि बैजा बैजा करा देंगे। पता कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ? हम जा रहे हैं पाए खाने। साउंड्स गुड, लेट्स गो। चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वालेकुम सलाम। ओए जट साहब आ रहे हैं, जट साहब आ रहे हैं। बिल जो है ना किसी से नहीं लेना, सबका बिल मेरी तरफ से, रात के खाओ। जट साहब जिंदाबाद। अमीर भाई, जब मैं साथ होता हूँ कभी किसी ने आपसे बिल मांगे? गल आपकी भी सही है। लेकिन तुम
अच्छा तो अब आया तू अपनी असल जगह पे, स्पेशल गार्ड। ये जगह तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और जैन पुत्र, वो ऐसी वैसी इंटरेस्टिंग जगह। और पुत्र ये जो पाए वाला है ना, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। दूर दूर से फरंगी आते हैं पाए खाने के लिए। और फरंगी जब यहाँ आता है ना, तो सबसे पहले आके ना पाए को हाथ लगाता है। लेकिन व्हाट इज दिस फरंगी? पुत्र फरंगी समझ नहीं आई? लेट मी टेल यू, फरंगी आंटी क्वीन जो अभी रिसेंटली उसके जो करीबी रिश्तेदार वड्डे वडेरे सब फरंगी। नहीं समझा? और यार ओए, जो 200 साल पहले जिनको हमने यहां से पजाया था, जो हमारे मालिक थे वो फरंगी। और मालिक तो खैर अब भी वही हैं। बात तो और क्वीन के चाचे ताए। एक्चुअली समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन साउंड्स इंटरेस्टिंग। क्वीन का जिक्र हुआ है ना, सो यू नो मैं सोच रहा था क्यों ना इसकी फ्रेंचाइज खरीद के मैं कनाडा में जाके खोलूं। और यार तुझे फ्रेंचाइज भी दिला देंगे, फिलहाल तू पाए खाने की तैयारी कर। जब तूने पाए खाने हैं ना, और वो बड़ी बदतमीजी से खाने पड़ेंगे, उंगलियां तेरी ना शोरबे में पूरी डूब जाएंगी। उसके बाद ना ऐसे 2 दिन तक जुड़ी रहेंगी, और जब खुलेंगी ना तो आवाज आएगी पटाक। इसे कहते हैं खुराक के खास। यू नो गाइस, आज मैंने भी फैसला कर लिया है, आज मैं भी लाहौरी स्टाइल से ही पाए खाऊंगा, डूब डूब के। ना पुत्र, बेटा डूब डूब के खाओगे ना तो नाक में मिर्चे चली जाएंगी। पुत्र डबो डबो के खाना है। और जाट सब सही कह रहे हैं, डबो डबो के खाते हैं, डूब के तो बंदा मरता है। अगर डूब के खाना ना तो नाक पकड़ के जाना, कहीं कोता ही ना आ जाए। और वैसे भी पुत्र, जैसे आजकल पाकिस्तान की मईशत नहीं डूबी पड़ी, जाट साहब क्या स्टैर मार रहे हैं। कितनी उम्र है, उधर रखो यार। तिलो वाला कुलचा, हाय 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 हाय। और चरकटे तुझे कहा वड्डे लेके आ प्याले, और तू 2 लेके आया, चल 2 और लेके आ, मारूंगा एक, चल। गाइस किसी के पास हैंड सैनिटाइजर है? ओह नो सैनिटाइजर विद योर शर्ट, हैंड साफ, नो कोरोना। ओ यार देसी तरीका। यू गाइस आर फनी। एक सेक, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ चेंज है तो इसका आप प्लीज सैनिटाइजर लें। ये तीनों खुले पैसे कह रहे हैं। ठीक है, मैं मिट्टी का तेल ले आऊंगा, आप खाओ खाओ शुरू। और लेके आओ, ऐसे ही खाएगा, उसके बाद कैसे खाएगा? पांच के फाड़ के ले आ। चल आप शुरू करें। फाइन, हम तो हाँ बिस्मिल्लाह। हाँ तुम देखो बेटा, ये नवाला बनाना है तूने ढूंगा सा, तो ये दे, ये बिस्मिल्लाह, ये किया और उसके बाद तूने पकड़ना प्याले को, ये देख। ये है पाए खाने का सही तरीका। So viewers, ये है वो इलाका, ये है वो गंदी जगह जहां एक नकारा फ्रॉड और फेक लड़की की पैदाइश हुई, जहां से लोगों की जिंदगी जीरण करने की प्लानिंग स्टार्ट हुई। हीर जट, सोशल मीडिया पे इतनी शोबाजी करने वाले का घर, इतनी बैकवर्ड जगह पे, इतनी थर्ड क्लास जगह पे, ये गलियां तो देखें, ये गन देखिए। लेकिन हीर जट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंजल खान तुम्हारे पर्दाफाश करके रहेगी, दिखा के रहेगी आप सबको इसकी असलियत। ए लड़के, हीर जट का घर बताओ कहाँ है? हीर जट का घर? हाँ वो। अरे ये तो हीर जट की दादी है। दादी, हीर जट के घर लेके चले हमें। तू कौन है? मेरा नाम एंजल खान है, चलिए हीर जट के घर। पागल ही लग रही है मैंनू, चल हट। अरे फॉलो करो मुझे, बेवे खा मत, हट हट, दादी को फॉलो करो, चल। अरे तुम लोग वीडियो बनाओ, ये देखिए गाइस, ना पता नहीं है कौन लोग मेरे पीछे पड़े हैं। हीर जट की दादी ये किन रास्तों से गुजरती हुई जा रही है, ये देखिए ये कितनी गंदी गली है, लगता है यही हमें उसके घर तक पहुंचाएंगी। अरे किचड़ एंजल कोड़ी मेरे पीछे पड़ गई। जैसा कि व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं, हीर जट, ये हीर जट का घर है जो टिकटॉक पे एक फैशन आइकन है। एक अंदरून के छोटे से गंदे से मोहल्ले में रहती है, ये फर्नीचर पे नजर डालिए और घर से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, जैसे किसी गोबर की स्मेल हो। क्यों, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी गांव में घुस आई हूँ। ये देखिए, ये देखिए,
अपने आप को समझती क्या है ये? हीर, अरे अरे क्या कर रही हैं आप? ये देखिए, ये देखिए, मुझ पे जान लेना हमला किया जा रहा है, छोड़िए। ओ तो है कौन? छाड़ा, हटा, हटे मरकी गुंडे। हाय हाय, कौन हो तुम? हाय बड़ी, कौन, क्यों इतनी चूचू कर रही हो? चूर चूर चूर, ये चिकन चिल्ली कौन कर रहा? मेरा नाम एंजल है। हीर कहाँ है? बुलाओ उसे। ये तो एंजल की आवाज लग रही है। कौन हो तुम एंजल? आई बड़ी, क्यों बुलाऊ मैं हीर बाजी को? ये देखिए व्यूअर्स, हल्ला क्या फजूल बकवास कर रही है, क्या बड़बड़ किए जा रही है? अरे तुम चुप करो, ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? और चुप कर जा, नहीं तो डंडा मार के तेरा सिर फाड़ दूंगी। क्या कर रही हो? ओ एंजल की बच्ची, तेरी दुश्मनी मुझसे है ना? मेरी दादी से क्यों वैर निकाल रही है? इतना शौक है तू आ मिल मुझे ऑनलाइन। ये देखिए व्यूअर्स, ये रही हीर जट। चुप गई? ओ ओ तुम लोग मेरा खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अटैक! ओके की 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 हां सानु शर्म नहीं आंदी? घर च कर के आ जा। इरबाजी, एक लड़की को झुंड के साथ हमारे घर में घुस आई है। मुझे लगता है इनके हाथ में पिस्तौल भी है, हम पे जानी हमला हो गया। अरे मुझे डर लग रहा है, मेरा बीपी लो रहा है, मेरा बीपी। वाला पे बाप दादी, दादी इस वक्त बबली भी ट्यूशन गया है, मैं भी नहीं, हम क्या करें? ओ मैंने दास और नाश पिटी है। कौन ये नाश पिटी एंजल की? तुम्हें यहीं कहीं कमरा हीर, ये देखिए व्यूअर्स। अरे इससे तो दरवाजा बंद कर लिया। हीर दरवाजा खोलो। ये देखिए व्यूअर्स, मैं तो हीर से सुलह करने आई हूँ, लेकिन उसने तो डर के मारे दरवाजा ही नहीं खोला। हीर, तुम लोग कार्रवाई डालो, पैसे फैलाओ, क्या कर रहे हो? जल्दी करो। दादी, हाँ, हाँ। दादी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हूँ आपके साथ। वो तो गुंडे ही है, वो चुड़ैल इतने लड़कों का जमघटा लेके आ गई है। की करे, क्या करूं? हीरो, एक सेकंड। ओए होए, ओ क्या बात है हीरो भाई, जलवा है हीरो भाई का है। जैकेट कैसी है? सिर्फ जैकेट, ओवरऑल माशाल्लाह। वो हेलो हीरो स्पीकिंग। हेलो हेलो, आप कौन? मैं हीर। आपका मतलूबा नंबर सारी जिंदगी के लिए बंद है और आपके लिए तो क़यामत तक बंद है। आइंदा फोन करने की जरूरत मत कीजिएगा। शुक्रिया। टू हीरो, हीरो हीरो, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। देख मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ हीरो जी। हीरो जी, सारी जिंदगी मेरे नाम से पहले ओए लगाती रही, आज मुसीबत पड़ी तो मेरे नाम के बाद जी लगा लिया। इनायत जट की पोती, इतनी इनायत क्यों? ओए दादी पे मत जाई, तेरी इतनी जरूरत के तू मुझे अभी भी तड़िया? नहीं 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 नहीं, मैं तड़ी नहीं लगा रही, आई एम वेरी 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 सॉरी। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो गया यार। इशू हो गया? जिस फैक्ट्री में इशू बनते हैं आज वही इशू हो गया। हाँ, हमारे घर गुंडे घुस आए हैं। गुंडे? वो हीरो बट के इलाके में? कौन है वो? डूंगी ग्राउंड वाले या फज्जे के बंदे? इसको कैसे समझाऊं? मैनू फोन पड़ा फिर दे दे मैनू फोन। हेलो हीरो, मैं फरीदा जट गल कर रही हूं। जी दादी। और मैं सुनिया है इस मोहल्ले च एक कोई दलेर पैदा होया वे जेड़ा दुश्मनों के गोडे गिट्टे पान देवे। हक बात है, आज तेरी दादी दे कार दुश्मनों ने हमला करन दी जुर्रत कीती है, ते तू फोन ते बजमे तारिक अजीज खेड रहे हैं फौरन आ। एक्सक्यूज मी दादी, आप फोन रखें, उनकी कन पट्टियों पे चपेड़े रखने के लिए मैं आ रहा हूं। गुड बाय। आ जा आ जा, अरे नजर आता हूं। और ना हीरो भाई, हम भी साथ जाएंगे, हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। बात को समझने की कोशिश करो, अगर अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा तो वो कहेंगे कि हीरो डर गया बंदे लेके आया, अकेला जाऊंगा मुखालफों का घर है कहेंगे कि भाई आया है।
हीरो भाई कहाँ से सोचते हो यार, मुझे भी बताओ, मैंने भी सोचना है। बता देंगे। ओए नाश्ता पैक कराओ, मैं आ रहा। ठीक है हीरो भाई। दादी मैं आ गया। ओए बड़े दिनों से हाथ और लेग में खारिश हो रही थी, मुझे पूरा यकीन था कि फाइट आने वाली है। इलाके में तो नलका मुझसे पूछे बगैर पानी नहीं देता। तुम लोग बदमाशी करने के लिए आ गए हो? क्या फायदा तेरी इतनी बॉडी का जो तू एक ठुड्डा नहीं सह सका? लेट मी हेल्प यू। तुम दोनों बताओ वे, और नूडल के बालों वाले, पहले तू चपेड़ खाएगा या तू? वे, तू तो शक्ल से पढ़े लिखे घर का लगता है, तू कब से बदमाशी में पड़ गया है? बदमाशी कर रहे हो? वे, ओ मिस्टर हेयर बैंड, सिद्धाओ, सिद्धाओ, वे, सिद्धाओ। हीरो बट के इलाके में तुम लोग बदमाशी। वे, सिद्धाओ। सीधा हो बॉडी बिल्डर, सीधा मुंह इस तरफ कर, इधर देख, मेरी आंखों में देख, नाक ऊपर। ए एंजल, डोंट ट्राई टू बी डेविल। हीरो भाई, मैं तो सुलह करने आई थी, ये इन लोगों ने मुझे मर दिलाया और मैं जज्बात में आके बैठ गई। ओ एंजल की बच्ची, तू कहां पे भाग रही है? क्यों तुम सुबह के भाग रही है अब? और नाश्ते नाइट चाट के घर से। वरानों को देखे शानों। ओ चल चल चल। I love my hand. चले गए। शानों की बच्ची उठ जा, वरना तुझे सच्ची मुच्ची में मैंने बेहोश कर देना है। उठ। ये देख। मैं कहाँ हूँ? वो अपनी माँ के सिर में है। ये तूने जो बेहोश होने की एक्टिंग की थी ना, बड़ी गलत की थी। मैंने बड़े ड्रामे देखे हैं, मकर कहीं की। ये सियासी दुश्मनी अपनी जगह, पर मेरे इलाके में कोई बाहर वाला आके मेरे अपनों पे हाथ उठाए, हीरो भट्ट को मंजूर नहीं है। और जब तक हीरो भट्ट है, तूने किसी बाहर वाले से नहीं डरना। इलाका तो कुत्तों का होता है वैसे। कुत्ता? नहीं 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 नहीं, आप तो शेर हैं, शेरों का तो जमाना होता है। आप तो फिल्मों के शेर की तरह गुर्राए हैं, दांव पेश लगा के आए हैं। आज आप हीरो नहीं, आप सच्ची मुझे के हीरो बट लगे। You are welcome. मैंने तो आपको थैंक यू नहीं कहा। हाँ वो तो नहीं कहा। हीर हो, तेरे मुंह पे जिप लगी हुई है, थैंक यू बोल दे। हाँ बोल। अच्छा चल मैं बोल देती हूँ। पुत्र खुश रहे, सलामत रहे। सलामत रहे, खुश रहे और औकात में भी रहे। वहाँ पे टेबल गिराई हुई थी, साइड पे लैंप गिराया था। इतनी वैसे हीरो बनने की जरूरत नहीं है हीरो बट। वैसे यू आर सो जेलस।
जब भी हीरो बट को कहीं अप्रिसिएशन मिलती है, जब भी लोग उसकी वाह वाह करते हैं, उसको शाबाश कहते हैं, उसको दाद देते हैं, तू जल के भुन के कोयला हो जाती है वैसे ही। पुत्र तो बिल्कुल ठीक कह रहा, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं भी इसी के साथ हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ दादी जान, अगर दादा को पता चल गया कि वो एंजल गुंडों को लेके आई थी हम पे अटैक करने और ये सब कुछ हो गया, तो वो तो मेरी शक्ल का नक्शा ही बदल के रख देंगे। हाँ हाँ, तो कह देना हमारे घर में चोर आया था तो हीरो ने आके। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे इजाजत है? जाओ इजाजत है। अच्छा सुनो, थैंक यू। इट्स ओके, मेरी भी भलाई ले ले, आए बैठे। चल हीर, वीडियो बनाते हैं। हट जा बबली, आज मेरा मूड नहीं है वीडियो बनाने का। पर वो उस एंजल का बदला नहीं लेना? उस एंजल का नाम मत ले मेरे साथ। पहले इतनी तोमते अपने ऊपर लगवा ली, बड़े वड्डे गार्ड लेके आई थी, और जिनके पास गार्ड ना हो उनके लिए मेरा सोना गॉड ही काफी होता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हेलो व्यूअर्स, हीर को सुनना चाहते हैं? हीर, आप हमारी गोल्डन गर्ल हैं, कुछ तो कहिए, आपके फैंस आपको सुनना चाह रहे हैं। अब ऑफ कोर्स मेरे मैनेजर इतनी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो वीडियो बनानी पड़ेगी व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले हीर जी, आज की वीडियो का टाइटल बता दें। जी जी, आज की वीडियो का टाइटल है जलने वालों का मुंह काला और ठोकर पे है जमाना। अब देखे ना, एक लड़की ने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की, किरदार कशी, आप लोग उसकी बातों में आ गए। किसी ने कहा आप व्यूज लेने आई हैं, किसी ने कहा फॉलोअर्स लेने आई हैं, ना मैं कहनी है तुसी सारी की अम लेने आयो। एक लड़की ने कहा कि लाइव आ गई सिंपथी वोट लेने। अब इस बात पे तो मैं यही कहूंगी ना, फिटे मुंह चवल जहान दे, किवें दियां गल्लां करी जान दे। अब देखे ये जो फोन है ना, फोन ये पिस्तौल का काम सर अंजाम देता है। आप आज के दौर में किसी के सामने बंदूक रखे बंदा नहीं डरता, जैसे ही कैमरा सामने आता है लोग लाइन पे आ जाते हैं। अब डिड आई डिड रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत किया? नॉट एट ऑल। कोई आपके घर तक आ गया, आपकी प्राइवेसी इनवेड होगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपने ख्यालात का इजहार करें। देखें, मैंने ज्यादा ख्यालात का इजहार कर दिया ना, तो आपको मेरे ख्यालात की आवाज कम और टूटू की बीप ज्यादा सुनाई देगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं तो यही कहूंगी, कोई डायरेक्ट आपके घर में घुसाए, आपकी प्राइवेसी इन्वेड करे, तो आप तो उसे हार्ट अटैक आने की फटकार ही देंगे ना बस। बिल्कुल ठीक कहा। अब अपने व्यूवर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगी? मैं अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगी कि आप सक्सेस की पौड़ी पे स्टेप बाय स्टेप लेकर चढ़ें। देखें, जो लूडो की बैक साइड पे वो 99 पे डस मारने वाला सांप होता है ना, वो बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और कॉपी कॉपी। थैंक यू वेरी मच। चलने वालों का मुंह काला और सपोर्टर्स को प्यार, इसी तरह मिलते रहेंगे एट टिकटॉक बाजार। हाय हाय हाय, वो छा गया तू हीर, क्या बात है तेरी। मैं तुझे कह रहा था ना, तू मैं भी डरती रहती है। When bubbly jet is here, everything is fair. Yes. चलो मैं जरा वीडियो एडिट कर लूं। सर अच्छे अच्छे फिल्टर डाली, इससे जो मेरे खिलाफ साजिशें की है ना, एंजल की बच्ची अब तुझे पता चलेगा। हाय हाय, नहीं बानू नहीं बानू, मैंने दस बच बचा हो गया। अल्लाह का शुक्र करें जी, मुंह पर नहीं डिग पड़ी, वरना बच बचा नहीं होना था। अभी ना सिर्फ गिट्टा ही सोचा है, डॉक्टर ने ना टीके शिके लगा के ना 2 हफ्ते आराम करने के लिए कहा। वो उधर आराम करा करा के मेरे नाक च गोली पा दे। सॉरी दादी जी। लिया, वैसे बड़े ही दुख अफसोस की बात है, निम्मी जो है ना बड़ी बचपन की पक्की बेली है। है तू इस तरह कर, तू जाके ना गाल सुन बानो, नहीं तू जाके ना खिचड़ी बना, तो मैं फटाफट से यखनी बनाती हूँ, फिर जाके दे आते हैं। ऐसे वक्त पे तो अपने ही काम आते हैं ना। वैसे उसकी 2 बहनें हैं तो सही, गुजड़ा ले रहती हैं ना, कल मुकली पड़ी होगी बेचारी। बह जा, पप्पे कुटनी जई ना होए थे। तेरी पत्ती दंदियां निकल रही हैं, बड़ा लाड आ रहा है तेनू। हैं, अपने खसम को नो भी तो पूछ लेना, ओनू ते कोई तकलीफ नहीं। हाय, वो जड़ी कमेटी पार्टी ते जानी है, पता नहीं विचार क
किस दिल नाल बर्दाश्त करदा है तेरा निम्मी दे घर जाना। मां जी, बेबे जी, अम्मी जी, कसम की सुनूंगी ना तो यहीं बैठी रहूंगी। और अब सोने को भी तो मुंह दिखाना है, कौन सा मुंह दिखाएंगे हैं? और वैसे भी मैं निम्मी की तमारदारी इसलिए तो नहीं करने जा रही कि मैं उसको इम्प्रेस करूं, मैं तो इसलिए जा रही हूं कि इंसानियत भी तो कोई चीज है ना। वाह पुत्री जी, है एक तू ही तो इंसान है, बाकी तो सारे बदमानस दी औलादा ने ना। फिर असि दादी जी, पाजी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंदे को ना अपने वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। नहीं, बंदे को दुख सुख में अपनी अकड़ खत्म करके ना एक हो जाना चाहिए बस। चुप कर जा, बड़ी आई हमाइती ना हो। अच्छा अच्छा, तू बहुतियां ना गल्ला ना कर, जा जाके छेती छेती ना फटाफट खिचड़ी बना, ते मैं भी आ रही। ते गल सुन, जांदी जांदी ना हीर को भी आवाज लगा देना कि वो भी ना मेरे साथ चले अपनी खाला का पता लेने। अच्छा हीर जी, सुन वो मेरे वालों भी ना हाल अहवाल पूछ लें, कहीं के वो दादी दियां दर्दा ने ना, नहीं तो वो गेड़ा जरूर लांदी है। सदके मैं कुर्बान अपनी माँ जी से पूछ लूंगी, बहुत सारा पूछ लूंगी। वैसे ना अम्मी जी, तुम जिन्हें बारू कौड़े नजर आंदे हो ना अंदरों उन्ने ही मिट। तेरे वास्ते। नहीं निम्मी, जब मुझे बताया है ना बानो ने कि तेरे पैर में मोच आ गई, अल्लाह की कसम मेरी तो जान ही निकल गई। फटाफट मैंने कुकर में यखनी चढ़ाई, जब तक कुकर सीटियां मारता ना मैंने दो हाथ मार के खिचड़ी बना ली और दौड़ती नस्ती तेरे पास आ गई। देखिया, इसको कहते हैं दिल को दिल से राह होती है, हैं? बचपन की सहेलियां ना। हीर पुत्र, मैं तो तेरी माँ, टाटो के स्कूल से लेके लॉरेंस की दौड़ों तक हम दोनों की जोड़ी बनी रही है माशाल्लाह। जी जी जी, अम्मी अक्सर आप दोनों की चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताती हैं। हाँ, ये सब गोल ते फिर कुछ ना बोल, फिर खाना खराब हमारे शौहरों के बीच इट कुत्ते का बैर निकल आया, इस तसादम का शिकार हम भी हो गए। ओह, मैं ते जखनी लेके आई थी, ते मैं आज अपनी पैनू ना अपने हाथे पियावांगी जखनी गर्मा गर्म। हाँ ते चमचा ते अब ही ती रानी मेरी, जा जाके बच्ची खाने च फड़ लिया। आप कौन सी साइड को? बेटा इधर है किचन। आज इस साइड? हाँ, सामने वाली दीवार है ना, इधर है किचन। हाँ, उसकी पहले दराज में होंगे चमचे। अच्छा, बात सुन, तुझे अभी भी याद है कि मुझे फूल बड़े पसंद है, वो भी गुलाब वाले। ले दस, मैं किस तरह भूल सकती हूँ कि मैं गुलाब के फूल पसंद। अच्छा तो तू ऐ नहीं पूछेगी कि मैं किस तरह लेके आई हूँ एको एक फूल? किस तरह? हम लोग जब आ रहे थे ना तो पिकअप जा रही थी, उसके अंदर ना ये गुलदस्ते वगैरह गमले पड़े हुए थे, मैं जूं छलांग मारी तो जाके फूल तोड़ा और लेके हाजिर हो गई। ओ कसमें, अल्लाह की कसम।